ये सत्य है। और जिन लोगों ने अगर कुछ बताया है तो वह बिल्कुल गलत है। हमको रावण अगर भाई ने अपनी संज्ञा रावण के रूप में दिया है तो गलत नहीं। तो आज जो है भाई चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जी ने एक पार्टी जो भीम आर्मी बनाई, भीम आर्मी एक संस्था है, उस संस्था के बैनर तले जो है आजाद समाज पार्टी का निर्माण। आजाद समाज पार्टी का निर्माण इसलिए हुआ कि हम सभी लोग बहुजन हैं, हम हमारे नेता या जो भी सरकार है वे सभी लोग हैं बहुजन। तब मनुवादी कराया गया, मनुवादी आज भी हम ऊपर हावी किया गया। भीम आर्मी एक संगठन है और उस संगठन के तहत जो है आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। और आज के समय में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख जो मुखिया हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, वर्तमान में नगीना से सांसद हैं। बहन जी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, ना ही अखिलेश ने सपोर्ट किया, परंतु भाई ने अपने कर्मों की बदौलत खूंटा गाड़ दिया और जनता को दिखा दिया कि देखो कोई नहीं अगर है तो मेरे अंदर जज्बात है, मैं उस चीज को हासिल कर लूंगा और भाई वो काम कर दिया। मंगल कामना भाई को भी कि आपने निरंतर चलने का जो कार्य किया है और आज कहीं भी किसी भी अपने देश में कहीं भी अगर कोई भी अनैतिक कार्य हो जा रहे हैं जैसे जिसको हम नहीं सोच सकते हैं, आज के समय में हमारे भाइयों को हमारे बच्चों को जो है अगर वो उनका अच्छा पहनावा है लोग जलते हैं, परंतु भाई ने एक ऐसी साहस दी है, ये नीला गमछा जो है आपके देश में गूंज रहा है, कहीं भी नीला गमछा लोग देख लेता है तो भाई लोगों के अंदर एक जज्बात जग जाती है कि ये हमारे भाई हैं। तो देखिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आज के इस अवसर पर भाई जिलाध्यक्ष भीम आर्मी कुशीनगर के द्वारा जो है नीला पट्टा लाया गया है जो आप लोगों को केक कटने के बाद होगा। हमारे बीच में हमारे अगुआ भैया गिरधर भैया भी हमारे बीच में हैं, आपका भी हम संबोधन सुनेंगे। तो मैं केक कटने से पहले चाहूँगा कि दो चार शब्द भैया आप भी आवें और कहें, कहने के बाद जो है केक कटेगा, केक कटने के बाद जो है कोई कार्यक्रम नहीं होगा, हम सभी लोग जो है विस्तारित हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा भैया गिरधर भैया आप भी आ जाएं और आज के इस अवसर पर